कहाँ से आया भाई? कश्मीर से आया। कश्मीरियों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी जस्ट मैं नींद से उठा हूँ, 7 बजने वाले, हाथ मुंह धो लेता हूँ, हाथ मुंह भी नहीं धोए मैं, चाय पीने की तैयारी करते, सबरे की नाश्ता की तैयारी हो रही है भाई। यहाँ पर गरम गरम तवा है रोटी बनाने के लिए, मुंह भी धो लिया गाइस एंड फ्रेश भी हो गए। खाली पेट पानी पीना सबरे सबरे बहुत अच्छा होता है, मैं रोज डेली पानी पीता हूँ। बाइक की चाबी भी ले लेते हैं, चलो चलते हैं। और जो हमारा न्यू घर बन रहा है ना गाइस, और सारी सीमेंट इधर रखी हुई है, इस घर के अंदर हम रह रहे हैं। चलो अब चलते हैं बाइक उठा के अपने दोस्त के घर के सामने। मेरे को एक और काम याद आ गया, आज शॉर्ट वीडियो का शूटिंग करने के लिए जाना है, तो माइक को चार्जिंग पे भी रखना जरूरी है। माइक मेरा बैग के अंदर है, चलो चलते गाइस उसको हटा देते। उसका वेट करते हैं, अभी उठेगा वो, मुँह हाथ धोएगा, 10-15 मिनट तो लगेगा ही लगे। तो फाइनली गाइस अपना सादिक दोस्त आ चुका है काफी वेट करने के बाद। फिर काफी दो रहा, फटाफट पी ले तो चाय गाइस। तो चूरा चूरा लग रहा है अंदर से, हाथ लगा रहा हूँ तो मैं, खोल के देगा तो बढ़िया है बिस्किट। अब जाके सिर दर्द अच्छा हो गया, चाय पिया तो भले दिन भर से चाय ना मिले, सबरे कोल्ड चाय मिले ना तो दिन भर सही चले जाता है। ये इंदौर वाली बस है ना, एसी वाली है। वाह, चाय पी क्या है तो थोड़ा अपने दोस्त के साथ में पीछे घूमने के लिए जा रहा हूँ, टहलने के लिए। तो मस्त घूम के आ गए गाइस, और अपना वॉकिंग भी हो गया, सभी घर पे आ गया हूँ मैं, काफी प्यास भी लग रहा है, पानी पी लेते। अभी पानी पी के गाइस बाजार जाना है अपने मोम के साथ में, गोपन जाना है, उनको काम है मेरे मोम को। चलो चलते गाइस, झोला भी उठा लेते क्योंकि मेरा मोम इसमें सामान लाएगी ना। इस बाजार जाने से पहले अचानक से मेरे को याद आया, काफी देर से माइक को चार्जिंग पे रखा हुआ है। कहाँ गया अपना माइक? ये रहा ऊपर रखा हुआ है, वो चार्जिंग भी पूरा हो गया। रेड लाइट जो रहता है ना वो ऑफ हो जाता है, मतलब चार्जिंग पूरा हो चुका है, तो इसको निकालना जरूरी रहता है वरना खराब हो जाएगा अपना माइक। तो अब चलो चलते बाजार मोम के साथ। तो अभी गाइस अभी मोम गई है सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए, यहाँ पर बैठ के उनका वेट कर रहा हूँ जब तक मोम गाइस सब्जी खरीदेंगे, नारियल पानी पी लिया जाए। भैया पानी वाला निकल जाना बढ़िया। एनर्जी में खुद को रखने के लिए नारियल पानी सबसे बेस्ट रहता है। अभी मोम आ जाए फिर चलते कोपन, फिर मैं जाऊंगा मटन खरीदने के लिए। मेरे दाढ़ी भी काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, बड़े तो नहीं हुए मतलब इधर उधर से निकल रहे हैं, तो उनका सेटिंग करना जरूरी है, देखते कब जाना रहेगा। तो मोम को गाइस कोपन के पास छोड़ दिया है, उनको छोड़ के मटन लेने के लिए जा रहा हूँ। बढ़िया। तो गाइस आ गया हूँ मैं कोपन पर, अभी अपना मोम का वेट कर रहा हूँ, काफी भूख भी लग रहा है, घर जाके आराम से बैठ के खाएंगे। पहुंच गया गाइस घर पर, चलो करते नाश्ता। और नाश्ता में बना गाइस कढ़ी, जो कि आप सभी को मैंने सबरे ही बता दिया था मेरी मोम बना रही थी, एंड इसमें जो रोटी है मेरी माँ गरम गरम तवे पे रोटी बना रही थी। तो नाश्ता भी कर लिया मैंने, एंड ये बोतलें भी भर देता हूँ मैं हमारे मजदूर लोगों के लिए। पानी पे इधर बैठा हूँ गाइस, और कुछ लोग आ रहे हैं जो कि काफी अलग दिख रहे हैं, शायद कश्मीर के रहने वाले। अलैकुम सलाम भाईन, खैरियत? शुक्र अल्लाह का भाईजान, आप खैरियत से? मैं आपकी दुआ है भाईन। कहाँ से आया भाईन? कश्मीर से आया। जिस बंदे को आपने देखा गाइस, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। कश्मीरियों के ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, वो हमको कह रहे थे कि हम कोई मांगने वाले नहीं है, हम अच्छे घर से, लेकिन हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए कि हमको मदद के लिए निकलना ही पड़ा। गाइस सच्ची बता रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गया था, ऊपर वाला उनका मदद करे। गाइस वीडियो का शूट करने का टाइम भी हो चुका है, और आ गया हूँ इन बच्चों के साथ में वीडियो का शूट करूंगा एक जगह पर, तो चलो फटाफट शूट करते गाइस। One hour later. फाइनली शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है, मजा आ गया आज के वीडियो में। तो मजा आया जोन? हाँ। प्यास लग रही? जैसे कि मैं आप सभी से कह रहा था कि दाढ़ी बनवाने के लिए मेरे को जाना है, अपना दोस्त सादिक का वेट कर रहा है, वो आ जाए फिर चलते अपने सागर भाई की दुकान के पास। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, मरवा देते पेट्रोल। भीड़ कितना है? भीड़ सागर भाई लग गया था।
हो गया अपनी गाड़ी कटिंग, अब चलो चलते हैं दोस्तों को कुछ बांटने के लिए। चले सागर भाई। हाँ भाई, मौसम तो एकदम मस्त बना भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। मौसम काफी गड़बड़ चल रहा है, बहुत बेकार मौसम है। यहाँ पर आए तो एक काम में दो काम हो जाएगा, उनको बाढ़ भी देऊंगा मैं। क्या इधर क्या कर रहे हो, साफ सफाई? ठीक है बाबू जी, चलो मैं मेरा दोस्त के साथ में आया हूँ तो इंतजार कर रहा है मेरा। ठीक है, मिलते बाद में। बाढ़ भी दिया मैंने गाइस और आ गया मैं घर पर। नहाने की तैयारी करते फटाफट, फिर नमाज पढ़ने जाते, फिर वहाँ से आके खाना खाएंगे। मेरा मोबाइल के अंदर गाइस 9% चार्जिंग बचा हुआ है, मेरा मोबाइल भी डेड होने वाला है तो चार्जिंग भी रख लेते। मेरा चार्जिंग यहाँ पर दिख नहीं रहा, देखते कहाँ पर ढूंढते उसको। ये रहा टाला में पड़ा हुआ है। नमाज पढ़ने के लिए चला गया था, अभी जस्ट नमाज पढ़ के आ गया हूँ। काफी भूख लग रहा है। खाने में क्या बना हुआ है, इसमें कीमा, इसमें चावल, खा के फिर थोड़ा सो जाऊंगा। हमारा घर मॉडिफाई हो रहा है ना, तो आप सभी देख सकते हो अभी तो कुछ ऐसा हालत है हमारे घर का, पतरे वगैरह सब डल चुके नए, अभी दीवारों में पलस्तर होना बाकी है। बाहर तो पलस्तर हो चुका है, अंदर का बाकी है, 4-5 दिन और लगेगा। अपना घर 4-5 दिन में पूरा मॉडिफाई हो जाएगा, फिर मजा आएगा देखने में, आप सभी को बताऊंगा मैं। इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूं। आई होप कि आप सभी को आज का प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा तो गाइस एक लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में, एंड जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।